हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानस। मैं अपनी चैनल द मानस बनारस व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको दिखाऊंगा वाराणसी में स्थित सब्जी कचौड़ी की सबसे प्रसिद्ध दुकान, जो कि ठठेरी बाज़ार में है, जिसका नाम श्री राम भंडार है। और अभी मैं गदौलिया चौराहे पर हूं और यहीं से मैं आपको लेके चलूँगा ठठेरी बाज़ार और दिखाऊँगा श्री राम भंडार का सब्जी कचौड़ी। अगर आप बनारस में आए तो एक बार इस दुकान पर ज़रूर आएँ। और अभी मैं ठठेरी बाज़ार आ चुका हूँ और जो राम भंडार का दुकान है वो इस गली के अंदर है, जो कि ठठेरी मार्केट के अंदर है। तो चलिए मैं आपको गली में अंदर लेके चलता हूँ और दुकान दिखाता हूँ। आप इस गली से होते हुए बीच में ही आपको राम भंडार का दुकान देखने को मिलेगा और आपको इस गली में लगभग 500 मीटर अंदर जाना होगा तो आपको राम भंडार का दुकान देखने को मिलेगा। मैं आपको पूरा गली के अंदर लेके चल रहा हूँ और मैं आपको अभी दुकान दिखाता हूँ। जैसे आप गली के अंदर आएंगे, देखिए बड़ा का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर द राम भंडार, और छोटा सा ही ये दुकान है और ये दिन भर यहाँ पर भीड़ लगा रहता है सब्जी कचौड़ी का। और मैं आपको पूरा अंदर लेके चलता हूँ दुकान के और पूरा दिखाता हूँ। और बाहर की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा कचौड़ी यहाँ पर छनता रहता है और जलेबी भी, और जो इनका जलेबी का दाम है वो लगभग 500 रुपये किलो जलेबी ये देते हैं, जो कि देसी घी का यहाँ पर जलेबी लोगों को दिया जाता है, और 2 पीस कचौड़ी लगभग 60 रुपये का दिया जाता है। और भी यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो कि मैं आपको मेनू में उसका दिखाऊंगा। और ये देखिए कचौड़ी यहाँ पर रखा गया है और ये देखिए जलेबी गरम गरम छन रहा है, आपको यहाँ पर गरम ही आपको दिया जाएगा तुरंत निकाल कर। और ये देखिए कुछ ऐसा दुकान दिखने में लगता है राम भंडार का। मैं आपको आगे की ओर दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो 500 रुपये किलो जलेबी है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर देखिए गरम गरम निकल रहा है, ये 500 रुपये किलो देसी घी का जलेबी है, जो कि देखिए यहाँ पर लाइन लगा हुआ है जलेबी खाने के लिए सुबह सुबह। आपको यहाँ पर सुबह ये लगभग 5 बजे दुकान खुल जाता है ये ठठेरी बाज़ार में राम भंडार का। और देखिए गरम गरम कचौड़ी भी यहाँ छन रहा है। और इस दुकान में मैं आपको बता दूं कि इतना भीड़ आता है कि लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलता। और यहाँ पर देखिए कई लोग तो बाहर ही यहाँ पर खड़े हुए हैं कचौड़ी जलेबी खाने के लिए। और मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए जो रखा गया है ये 60 रुपये का 2 पीस कचौड़ी सब्जी है, ये देखिए यहाँ पर लोगों को देखिए दिया जा रहा है और गरम गरम ये देखिए नीचे कचौड़ी छना हुआ है। और जब भी आएंगे आपको यहाँ पर देखिए ऐसे ही मिलेगा, यहाँ पर आपको दो नाम दिया जाता है। और मैं आपको राम भंडार का जो मीनू है वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए लोग ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है समोसा चटनी 25 रुपये, समोसा चाय छोला 45 रुपये, आपको सब चीज़ का दाम लिखा है, बड़ी कचौड़ी सब्जी 60 रुपये, 2 पीस आलू कचौड़ी 60 रुपये। ये देखिए, और मैं आपको बाहर की ओर से एक बार और दिखा दे रहा हूँ द राम भंडार, देखिए लिखा गया है। और यहाँ पर जो छोला और सोहाल है वो 200 रुपये 80 रुपये किलो है, और जो आप गुलाब जामुन खाएंगे वो लगभग 28 रुपये पर पीस दे रहे हैं, और लौंगलता का प्राइस 30 रुपये है। और आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुबह के समय देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको अंदर से एक बार पूरा दुकान दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं अंदर कितना भीड़ है, बैठने के लिए भी यार देखिए जगह नहीं है। और मैं आपको बाहर की ओर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए बाहर भी लोग खड़े हुए हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं कि जो भी यहाँ पर चीज़ें बनाई जाती है वो बिना लहसुन और प्याज के बनाई जाती है, और यहाँ पर जो भी चीज़ें बन रही है वो प्योर देसी घी का यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये देखिए मैं आपको जो इसका मीनू है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। और वहाँ पर आप ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 100% प्योर देसी घी का, नो ओनियन नो गार्लिक। और ये देखिए यहाँ पर सब 7 बजे सुबह खुलता है ये दुकान, रात के 11 बजे तक ये देखिए दुकान खुला रहता है। यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। खड़े होकर दुकान खोल के मालिक के।
और ये भी जाना।